अरे चाचा जी, ये सब्जी के साथ आपको करो भलाई खाओ मलाई स्कीम का टिकट मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है। ये क्या स्कीम है? अगर आपका नाम इसमें चुना गया ना, तो आप लाखों रुपए जीत सकते हैं, लाखों। चलो ठीक है, यही सही। जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी की पकड़ में नहीं आता। जाल तो मैंने बिछा दिया है, अब बस शिकार को इसमें फंसाना है। बधाई हो, आपका नाम करो भलाई खाओ मलाई स्कीम में चुना गया है। ये अब मैं जीत गया। और बताओ मुझे कितने पैसे मिलेंगे? जितनी आप भलाई करो उसके दुगने पैसे मिलेंगे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। करो भलाई खाओ मलाई स्कीम है ही कुछ ऐसी, हम लोगों की भलाई चाहते हैं। आप लोगों की भलाई में जितना पैसा खर्च करेंगे, हमारी कंपनी आपको उसका दुगना पैसा वापस देगी। बस आपको खर्चे के सारे बिल्स लेकर शाम 4 बजे से पहले हमारे लॉटरी ऑफिस पर आना है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी लोगों की भलाई में विश्वास करता हूँ, पर मैं शुरू कहाँ से करूँ? अच्छे काम की शुरुआत मुंह मीठा करने से होनी चाहिए। आप लोगों को मुफ्त में मिठाई खिलाइए, लोगों का पेट भरना भी तो भलाई का ही काम हुआ ना। आइए मेरी मुफ्त में जलेबी खाइए, आज मेरी तरफ से सबको मुफ्त में जलेबी। कमाल है, मैं लोगों को मुफ्त में जलेबी बांट रहा हूँ और ये मुझे ही जलेबी तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं। ठीक है, पीछे भीड़ जरा कम है, मैं वहीं जाता हूँ। भैया भैया भैया, महीने भर के लिए जलेबी भर ले। ओ पल्ला जी, 4 महीने से आपने मुझे सैलरी नहीं दी। पल्ला जी, मैं अभी इसी वक्त आपकी नौकरी छोड़ता हूँ, मैं कोई नया काम करूंगा। पर चाचू। ओए चालपति जे। चाचा, तुझे कहीं काम नहीं मिलेगा, वापस मेरे पास ही आएगा तू। हेलो भल्ला जी, चाचा भतीजा मेरे केस पर काम तो कर रहे हैं ना? देखो जी, मेरी चांदी की मूर्ति चोरी हो गई है और अगर मुझे वो कल तक नहीं मिली ना, तो मैंने जो फीस तुम्हें दी है उसे एक एक करके सूद समेत वापस ले लूंगा। अरे मुक्का भाई, चाचा भतीजा ही आपके केस पर काम कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए। मुझे चाचा भतीजे को कोई भी नया काम करने से रोकना होगा, तभी वो मेरे पास आएंगे और मेरा केस सॉल्व करेंगे। ओए भतीजे, एक बात बता, मैंने पल्ला जी को कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना? चाचू, अब बोल ही दिया है तो देख लेंगे। वाह, आपने ये जूते तो बिल्कुल चमका दिए। मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरे जूते भी ऐसे ही चमका दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं जूते पॉलिश नहीं कर सकता। देखिए, आपके हाथ में हुनर है। ओए, मेरे हाथ में हुनर है? ओए, मैंने खोजी से एक खास शू पॉलिश क्रीम बनवाई है, इससे जूते ऐसे चमकेंगे कि हर कोई उसमें अपना चेहरा देख सकेगा। चाचा से ये खास शू पॉलिश लेकर मुक्का भाई से चुराई हुई चांदी की मूर्ति पर लगा देना चाहिए, फिर ये मूर्ति काले रंग की हो जाएगी और किसी को हम पर शक नहीं होगा। ये शू पॉलिश जब लोगों के जूतों पर लगेगा तो उनके जूतों का आकार ही बदल जाएगा और चाचा को ये बिजनेस बंद करके मेरे पास ही आना होगा। Oh!
हमें अपना शू पॉलिश बेच दो। ये देखिए, ये शू पॉलिश बेचने के लिए नहीं है। हम आपको इस शू पॉलिश की दुगनी कीमत देंगे। उए वाह, उए ये तो बड़ा अच्छा सौदा है। कहाँ गए? देखा भतीजे, ये वही लोग हैं जो कुछ देर पहले मुझसे अपना जूता पॉलिश करवा के गए थे। लगता है मेरा काम इनको पसंद आया। चाचू, उनके चेहरे पर नहीं, उनके पैरों पर नजर डालो। बिट्टू की टीम हमसे नहीं जीत पाएगी। ये हॉकी का मैच हम हर हाल में जीतेंगे। बड़ा मजा आएगा। ओए भतीजे, और तुझे मजा आ रहा है और मेरे यहाँ पसीने छूट रहे हैं और मुझे हॉकी खेले एक जमाना बीत गया। पुलिस अंकल, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, वहाँ कुछ गुंडे हमें परेशान कर रहे हैं। है? चल देखता हूँ बहादुर के होते कौन तुझे परेशान कर रहा है। वो देखिए, वो गुंडे इस कमरे के अंदर है। गेम शुरू होने से पहले ही भतीजे की टीम का एक खिलाड़ी आउट। ओ मामा मिया, मैंने सबके साथ चीटिंग किया। हमारे टीम में 6 खिलाड़ी हैं और तुम्हारे टीम में सिर्फ 5 खिलाड़ी। लगता है तुम्हारे टीम का खिलाड़ी खेल शुरू होने से पहले ही डर के भाग गया। बहादुर, ये बहादुर अचानक से कहाँ चला गया? ओ बंदूकनी जी, ओ भतीजे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लगता है मुझसे डर कर तुम खेल नहीं खेलने के बहाने ढूंढ रहे हो। चुप हो जाओ बिट्टू, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। उई, उई वो बंदा वहाँ अकेला हॉकी की प्रैक्टिस कर रहा है, क्यों ना उसे अपनी टीम में शामिल कर ले। अब भाई साहब, क्या आप हमारे साथ खेलोगे? मैं? क्या आपने मुंगेरी लाल से कुछ कहा? हाँ, क्या आप हमारी टीम का हिस्सा बनकर ये हॉकी मैच खेलोगे? जरूर। ऑल द बेस्ट मामू। घबराइए मत चाचू, मेरे होते हुए बॉल आपकी तरफ आएगी ही नहीं। मैच शुरू होते ही भतीजे ने लीड ले लिया है। बिट्टू की टीम से चंटू बंटू ने भतीजे से बॉल को लेने की नाकाम कोशिश की, पर भतीजा आगे निकल गया और उसने स्कोर कर दिया पहला गोल। सब मेरी बात ध्यान से सुनो, बिट्टू की स्कूटर पर बड़ा प्यार आ रहा है चाचू। ओए क्योंकि ये स्कूटर ही हमें कल फंटूश नगर में होने वाली रेस जिताएगा ना। किसी की नजर न लग जाए मेरे स्कूटर को। नजर तो लग गई, मेरी बुरी नजर। जोगावर, कल फंटूश नगर स्कूटर रेस मैं ही जीतना चाहती हूँ। और रेस में अगर किसी स्कूटर से मुझे डर है तो वो है चाचा का स्कूटर। आओ रोजे, चाचा के इस पुराने खटारा स्कूटर से क्या डरना। डर चाचा की स्कूटर से नहीं, चाचा भतीजा के दिमाग से है। वो हमेशा हर बाजी जीत जाते हैं। बात तो तेरी सही है रोजे, अब क्या करें? मेरे इंजन के कार्बोरेटर में एक आईडिया अटका हुआ है, बोले तो निकालो। निकाल निकाल, जल्दी निकाल। हिचका हिचका। क्या हुआ चाचू? ये टायर तो मेरे स्कूटर का ही लग रहा है, पर मेरा स्कूटर कहाँ चला गया? नहीं,
और मेरा स्कूटर है। पिछले 25 सालों से ये मेरा साथ दे रहा था। हेलो खोजी अंकल। मुझे स्कूटर का हॉर्न सुनाई दे रहा है। चाचू आंखें खोलो, सपना छोड़ो और हकीकत देखो। चाचे ये रहा तुम्हारा स्कूटर, फुल्ली ऑटोमेटिक। ओ थैंक यू खोजी सिंह जी, पर फंटूश नगर स्कूटर रेस शुरू होने वाली है। पर रेस अगले 10 मिनट में शुरू होने वाली है और रेस ट्रैक यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। ओ, हम इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँचेंगे? ओ चाचे टेंशन मत लो, मैंने जीपीएस ऑन कर दिया है, ये तो 10 मिनट में पहुँचा देगा। जाओ चाचा भतीजा रेस जीत कर आना। ओ चल मेरे नए स्कूटर। आ, 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 आ,